सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग K90 सुल्तानपुर के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कौन कौन से जो है टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट द कॉलेज, कोर्सेज एंड फीस, एलिजिबिलिटी एंड फैसिलिटी, अदर एक्टिविटीज़ में जैसे कि इनके यहाँ जो फेस्ट होते हैं कि स्पोर्ट्स होता है क्या क्या, मतलब जैसे NCC में सारी चीज़ों को जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लेसमेंट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसमेंट के बारे में जो है हम लोग काफ़ी डीप में बात करने वाले हैं, ठीक है। कटऑफ्स के बारे में जो हम लोग डीप करने वाले हैं, जनरल, OBC, SC, ST और इंजीनियरिंग सारी ब्रांचेस का जो हम लोग कटऑफ देखेंगे, ठीक है। और रेटिंग जो है मतलब आपको बतानी है, मतलब रेटिंग जो है मतलब कि दी गई स्टूडेंट के द्वारा, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग UP की जो है हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमें और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस है हमारे जो यूपी के बारे में आने वाले, यूपी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। तो यार, मैं अबाउट द कॉलेज की बात कर लूँ तो इसको जो इंजीनियरिंग रेटिंग मिली हुई है वो AAA, ठीक है। और ऑनरशिप जो है इसका है पब्लिक और गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर कैसे आते हैं, वो कोड आते हैं, इसका जो ओपनिंग ईयर था 1973, मतलब कि यार आपको जी आश्चर्य हो कि मतलब ये कॉलेज जो है काफ़ी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है यार। कैंपस का साइज जो है 700 एकड़स का है, तो मतलब यार गजब का कैंपस है यार। कैंपस तो आप देखे होंगे, तो आपको चारों तरफ केवल हरियाली ही दिखने वाली है, ठीक है, इस कैंपस में, ठीक है। और टोटल फैकल्टी मेम्बर जो है यहाँ पे 120 हैं, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो इन्वॉल्व होते हैं 1900 जो यहाँ पे प्लस स्टूडेंट जो आते हैं पर ईयर जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यार मतलब ये हो गया कॉलेज के बारे में। इसके बाद हम लोग जो है फीस की बात कर लूँ, तो यार बीटेक की जो फीस है वो 63,350, तो यार फीस जो है काफ़ी सस्ती है यार, और कॉलेजेस के कंपेरिजन में मैं देखूँ तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी कैसी है, 10+2 विथ 45% पर UPSC, ठीक है। बीटेक लेटर की भी सेम फीस है, 10+3 हो जाता है, मतलब कि 10+3 का मतलब होता है आपका कि जैसे कि वो डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक जो होता है उसके बाद UPSC, ठीक है। इसका MCA आता है 48,500, ग्रेजुएशन MTech 58,350 प्लस गेट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। MCA का जो है 48,350 और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए यार। तो यार मैं आपको एक बार बता दूँ, यार बीटेक की डिग्री मतलब बीटेक के एडमिशन के लिए यहाँ पे केवल UPSC मतलब UPTU के ही या फिर AKTU के ही जो मतलब पेपर होते हैं उसके थ्रू ही यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एडमिशन मिलने वाले हैं, यही मेन्स के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यार मैं फैसिलिटी की बात कर लूँ तो फैसिलिटी में आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ID, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, क्लासरूम, बैंक, ATM, लैबोरेटरीज, गेस्ट रूम, LMS फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यार काफ़ी बेटर है, मतलब फैसिलिटी देख लो यार, तो ठीक है। तो यार मैं अदर एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ तो उनका एक अनुभूति नाम का एक फेस्ट होता है जो पर ईयर मतलब कि इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है यार। तो इसमें आपको अनुभूति मतलब इसमें कल्चरल फेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है टेक फेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी अनुभूति में, ठीक है। तो ये पर ईयर जो होता है ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्लब भी बनाया गया, चाहे स्पोर्ट काउंसिल क्लब है, कल्चरल क्लब है, लिटरेरी क्लब है, फोटोग्राफी एंड फाइन क्लब है, हॉबी क्लब है, ठीक है। ये सारे जो है काउंसिल्स है और क्लब आपको स्पोर्ट्स को में कॉलेज को देखने को मिल जाएंगे यार। यही सारी चीज़ें तो कॉलेज को ऑसम करती हैं, ठीक है यार, कॉलेज लाइफ को मतलब। तो यार यहाँ मैं प्लेसमेंट की बात कर लूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो 8 LPA गया है, और एवरेज पैकेज जो गया है 3.5 LPA गया है, लोएस्ट पैकेज जो गया है 1.5 LPA गया है, ठीक है। तो यार आपको बता जी देख रहे होंगे कि ठीक है, तो यार प्लेसमेंट के बारे में जो हम लोग ब्रीफ में बात करते हैं, तो यार लास्ट के 3 ईयर के जो है मेरे प्लेसमेंट है ब्रांच वाइज मैं उनको भी देख लेता हूँ, ठीक है। सो यार प्लेसमेंट देख लूँ यार, मैंने 2009-2010 का मुझे प्लेसमेंट मिला इनकी ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो यार सारे साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, हाईएस्ट पैकेज जो है 1.5 LPA, एवरेज पैकेज जो है 3.35 LPA, ठीक है। और यार ये देख सकते हो कि ब्रांच वाइज जो प्लेसमेंट हो रहे हैं वो है TCS मतलब CE मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है 4 बच्चों का प्लेसमेंट। यार प्लेसमेंट जो है 2009 में जो काफ़ी कम हुआ, टोटल स्टूडेंट जो प्लेस हो रहे थे वो केवल 97 है, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यार 2011 में जो है हाईएस्ट पैकेज सेम गया 5.5 LPA, एवरेज पैकेज जो 3.5, यार प्लेसमेंट जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ 1.33, ठीक है। तो उसके बाद यार बात कर लूँ तो यार पे 2011-12 में जो इसका मतलब फिर से मतलब स्टूडेंट जो बढ़ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट की प्लेसमेंट तो बढ़ रही है पर हाईएस्ट पैकेज जो है वो काफ़ी कम जा रहा है, 1.145 ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इतने ही प्लेसमेंट्स मतलब टोटल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2019-18 में मुझे कोई प्लेस पर नहीं मिला, उसके बाद मतलब मैंने नेट पर देखा तो यार
तो मुझे लगा कि हाईएस्ट पैकेज जो है 8 LPA तक का जा रहा है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट जो होते हैं 50% मतलब कि 50% स्टूडेंट होता है प्लेस जाते हैं, भले उनका प्लेसमेंट जो है 1.5-3 लाख का क्यों ना, पर प्लेस हो जा रहे हैं बच्चे। तो जी यार, ये काफ़ी मतलब बेटर बात है यहाँ पे। तो यार मैं कट ऑफ की बात कर लूँ तो यार कट ऑफ में जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो लास्ट 2018 की जो कट ऑफ है 2019 की नहीं है, इसकी ओपनिंग रैंक जो हुई थी 360 और क्लोजिंग रैंक जो थी ये 12,785 जो गई थी, ठीक है। तो ये जो है जनरल की है, ठीक है। और यार OBC की बात कर लूँ तो 556 से स्टार्टिंग हुई थी और क्लोजिंग रैंक जो उसकी थी वो थी 1,23,701 और SC की जो थी 2,957 और क्लोजिंग रैंक जो थी 1,27,679, ठीक है। और SC की जो जाती है इसके तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यार काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है। बाकी ब्रांचेस के कंपेरिजन में मैं देख लूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यार मैं इसके बाद आप जो काफ़ी प्लेसमेंट्स के मतलब मैंने कट ऑफ्स को जो है मैंने सारी कट ऑफ्स को जो मेंशन किया हुआ है, वीडियोस को जो है प्यूज़ करके देख लीजिए यार। अगर मैं एक एक चीज़ के बारे में बता दूँ तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यार मैं आपको एक बार बता दूँ तो आपका एडमिशन आपके यहाँ हो जाता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके 45,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है ना जनरल में आप हैं तो आपके यहाँ एडमिशन हो जाएंगे। पर यार आपको मैं बता दूँ, काउंसलिंग जो होती है ना काउंसलिंग आपको एकदम सही करनी पड़ेगी यार। काउंसलिंग अगर आपने परफेक्ट की है तो आपको यहाँ पे कॉलेज जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार मैं रेटिंग की बात कर लूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इनका काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि पुराना है तो क्या हुआ काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है, ठीक है। प्लेसमेंट को यार इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वैल्यू ऑफ मनी की बात कर लूँ तो 3.5 है और कैंपस लाइफ भी मतलब आपकी औसम तो होने मतलब ठीक ही होने वाली है, मतलब ठीक है। तो 3/5 ओवरऑल रेटिंग की बात कर लूँ तो 3/5 आप इस कॉलेज को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।